हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इंडियन रेलवे बाय परवीन। में आज आपको दिखाने वाले हैं जंघई से प्रयागराज दोहरीकरण का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इस समय देखिए हम लोग जंघई जंक्शन से डिपार्चर ले लिए हैं। देखिए दोहरीकरण का काम काफ़ी तेज़ी से हो रही है। सर आप सामने रूट देख रहे हैं, दोहरीकरण का काम हो रहा है। जंघई से प्रतापगढ़ भी दोहरीकरण का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इस समय देखिए प्रयागराज रूट पर दोहरीकरण के लिए लाइन भी बिछा कर तैयार कर दिए हैं और तार भी लग गए हैं और खम्भे भी खींच उठे हैं। देखिए इस समय जंघई से प्रयागराज काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। देखिए जल्द ही डबल लाइन पे दौड़ेगी ट्रेन जंघई से प्रयागराज। आप लोग ने प्रतापगढ़ से जंघई तक दोहरीकरण का काम नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। आप लोग कमेंट में एक बार बताइए हम जंघई जंक्शन का वीडियो बनाएं कि ना बनाएं। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप लोग का कमेंट था भैया एक बार जंघई से फाफा मऊ तक वीडियो बनाइए। आपके कमेंट में हम जंघई से फाफा मऊ तक पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं। देखिए एक लाइन से लाइन पड़ गए भी गए हैं, बिछ गए भी हैं। देखिए लाइन बिछ गए हैं पूरे और गिट्टी भी डाल उठाए। देखिए और तार भी खींच दिए हैं। इस समय काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। पहले जंघई से प्रयागराज डबल लाइन पर दौड़ेगी फिर ट्रेन, फिर उसके बाद जंघई से प्रतापगढ़ के बीच डबल लाइन पर दौड़ेगी ट्रेन। देखिए इस समय कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। एक लाइन से खंभे भी लग गए हैं, गिट्टी भी बिछा दिए हैं और लाइन भी तैयार हो चुका है ट्रैक। देखिए जब डबल लाइन पे दौड़ेगी ट्रेन कितना अच्छा लगेगा। देखिए अच्छी खासी स्पीड इस समय पकड़ ली है अपनी गाड़ी। देखिए डबल लाइन पे दौड़ेगी ट्रेन जल्द ही जंघई से प्रयागराज। देखिए ये सारनाथ एक्सप्रेस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए जो छपरा से चल के सारनाथ को जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस। देखिए 60 केजी के स्लीपर एक लाइन से बिछाए जा रहे हैं और काम भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। देखिए स्लीपर बिछा रहे हैं, ऊपर तार भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए इस समय दोहरीकरण का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है जंघई से प्रयागराज। अपनी गाड़ी के स्टॉप जंघई, फिर उसके बाद फूलपुर, फिर उसके बाद प्रयागराज होते हुए सारनाथ की तरफ निकल जाती है अपनी गाड़ी। देखिए हम लोग बराहराम स्टेशन पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ पे 60 केजी के स्लीपर एक लाइन से बिछा उठे हैं। देखिए एक लाइन से स्लीपर बिछा उठे हैं। बराहराम रेलवे स्टेशन आपको दूसरी तरफ दिखा रहे हैं। यहाँ पे मालगाड़ी खड़ी है, अपनी लूप लाइन से गाड़ी निकाल रहे हैं धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2। देखिए सब स्लीपर यहाँ पे बिछा दिए हैं। यहाँ पे छाने का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है बराहराम रेलवे स्टेशन पर। देखिए पहले से काफ़ी काम तेज़ी से हो रहा बराहराम रेलवे स्टेशन पर। आप लोग का काफ़ी कमेंट था प्रतापगढ़ से जंघई में वीडियो बनाए थे। आप लोग का कमेंट था भैया एक बार जंघई से प्रयागराज दोहरीकरण का वीडियो बनाइए। आपके कमेंट में हम जंघई से प्रयागराज वीडियो बना रहे हैं। देखिए बराहराम रेलवे स्टेशन को जैसे स्किप करते हैं एक लाइन से, देखिए 60 केजी के स्लीपर पूरे लगाए गए हैं। देखिए एक लाइन से पूरे स्लीपर लगाए गए हैं। इस समय काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। फिर इसके बाद बराहराम के बाद उग्रसेनपुर रेलवे स्टेशन, फूलपुर रेलवे स्टेशन, सराय चंदी, थरोई रेलवे स्टेशन, फाफा मऊ होते 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 निकल जाता है सारनाथ की तरफ। देखिए काम इस समय काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। देखिए अपनी गाड़ी का स्टॉप बहुत कम है और अच्छी खासी स्पीड में दौड़ रही है गाड़ी इस समय। तब हम तोड़ स्पीड रास्ते में पकड़ी है इस समय। देखिए हमने ये भी देखा काफ़ी स्पीड में अपनी गाड़ी इस समय दौड़ रही है। देखिए यहाँ पे गिट्टी भी डाला जा रहा है, बीच बीच में ट्रैक भी बिछा रहे हैं, बीच बीच में गिट्टी भी डाला जा रहा है। इस समय कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। देखा जाए 9 अक्टूबर नवंबर के महीने में डबल लाइन पर दौड़ेगी ट्रेन। आप लोग कमेंट बताइए एक बार जंघई जंक्शन का हम वीडियो बनाएं कि ना बनाएं। कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए 60 केजी के स्लीपर बिछाए जा रहे हैं, बगल में लाइन रखा गया है। देखिए खंभे का भी काम हो चुका है, जो पुराना वाला खंभा बीच में पड़ रहा है ये खंभे पूरे हटाए जाएंगे। हम आपको एक बार पहले भी बता दें। देखिए 60 केजी के स्लीपर बिछाए जा रहे हैं और उग्रसेनपुर रेलवे स्टेशन हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। देखिए अब आपको दिखाते हैं, अब उग्रसेनपुर रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं अच्छी खासी स्पीड में। देखिए 100 की स्पीड में गाड़ी दौड़ रही है अच्छी खासी स्पीड में। उग्रसेनपुर रेलवे स्टेशन को हम लोग स्किप कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बिल्डिंगें भी बनके तैयार हो चुका है, प्लेटफॉर्म के बीच में मिट्टी भी पड़ चुका है।
देखिए अच्छी खासी स्किप कर रहे हैं हम लोग हुसैनपुर रेलवे स्टेशन पे। देखिए अच्छी खासी स्पीड पे दौड़ भी रही है ट्रेन अपनी सारनाथ एक्सप्रेस। देखिए वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग से कमेंट में एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में जल्द से जल्द आप लोग 5K ज़रूर करिए। आप लोग कमेंट बताइए प्रतापगढ़ के बाद चिलबिला रेलवे स्टेशन पर दोहरीकरण का, चिलबिला रेलवे स्टेशन पर माल गोदाम बनाया जा रहा है। कमेंट बताइए हम माल गोदाम का वीडियो बनाएं कि ना बनाएं, कमेंट में आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। नया माल गोदाम बनाया जा रहा है चिलबिला रेलवे स्टेशन पर। देखिए अच्छी खासी स्पीड में हम लोग कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं फूलपुर रेलवे स्टेशन। काफ़ी गाड़ियों का स्टॉप है फूलपुर रेलवे स्टेशन पर। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग जल्द से जल्द 5K ज़रूर करिए, इतना मेहनत से वीडियो आप लोग के लिए ही बनाते हैं। देखिए अच्छी खासी स्पीड अपनी गाड़ी पकड़ी है इस समय। हम लोग कुछ ही क्षणों में फूलपुर रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले हैं। देखिए गाड़ी अच्छी खासी स्पीड में दौड़ रही है। जब डबल लाइन पे गाड़ी दौड़ेगा कितना अच्छा लगेगा, जल्दी डबल लाइन पे दौड़ेगी गाड़ी। देखिए हम लोग फूलपुर रेलवे स्टेशन के आउटर में पहुंच गए हैं। देखिए इस समय यहाँ पे मिट्टी डाला जा रहा है फूलपुर रेलवे स्टेशन के आउटर पे। देखिए आपको जूम करके दिखाते हैं, देखिए वहाँ तक काम आ चुका है फूलपुर आउटर तक। अब आपको हम फूलपुर रेलवे स्टेशन दिखाते हैं। देखिए हम लोग फूलपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। टोटल यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है फूलपुर रेलवे स्टेशन पे। आने वाले समय में देखिए यहाँ पे 1 या 2 प्लेटफॉर्म बढ़ा सकते हैं फूलपुर रेलवे स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म बनाने का कार्य इस समय प्रारंभ है देखिए फूलपुर रेलवे स्टेशन पे। देखिए आपको दिखा रहे हैं इस समय 2:05 हो रहा है। देखिए बाहर की तरफ नई बिल्डिंग बनाया जा रहा है फूलपुर रेलवे स्टेशन पे। पुरानी बिल्डिंग तोड़ा जाएगा, यहाँ पे नया बिल्डिंग बनाया जाएगा फूलपुर रेलवे स्टेशन पे। देखिए हम लोग फूलपुर रेलवे स्टेशन डिपार्चर ले रहे हैं, यहाँ पे नई बिल्डिंग बनाया जा रहा है। देखिए वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको कहाँ का वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट में ये भी बताइएगा। चिलबिला के पास नया माल गोदाम बनाया जा रहा है उसका वीडियो बनाएं कि ना बनाएं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये कमेंट बताइए हम प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर तक डबलिंग का वीडियो बनाएं कि ना बनाएं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए आपको दूसरी तरफ दिखा रही, समय मिट्टी डाला जा रहा है, आपको उस तरफ मील फैक्ट्री लाइन गया है। देखिए इस समय यहाँ पे गिट्टी डाला जा रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। आपको हम दूसरी तरफ दिखाने वाले हैं। देखिए आपको हम दूसरी तरफ दिखा रहे हैं, ये मील फैक्ट्री सामने दिख रहा है आपको। देखिए मील फैक्ट्री आपको जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए इस समय मील फैक्ट्री हम लोग स्किप कर रहे हैं। देखिए ये मील फैक्ट्री है जो आप देख रहे हैं। अच्छी खासी स्पीड में धूल उड़ाते हुए अपनी गाड़ी चल रही है। देखिए अच्छी खासी स्पीड में चल रही धूल उड़ाते हुए अपनी गाड़ी। देखिए इस समय यहाँ पे मील फैक्ट्री आपको दिखा रहे जूम करके। आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। जैसे हम लोग मील फैक्ट्री को स्किप करते हैं, आपको दूसरी तरफ दिखा रहे गिट्टी डाला जा रहा है और यहाँ पे खंभे भी लगाए जा रहे हैं दूसरी तरफ। देखिए गिट्टी भी डाला जा रहा है और खंभे भी लगाए जा रहे हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे आपको जंघई जंक्शन का वीडियो बनाकर दिखाने का। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए हम जंघई जंक्शन का वीडियो बनाएं कि ना बनाएं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए अच्छी खासी स्पीड में अपनी गाड़ी दौड़ रही है इस समय। देखिए यहाँ पे मिट्टी डाला जा रहा है। देखिए हम लोग सराय चंदी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। देखिए अच्छी खासी स्पीड में सराय चंदी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बिल्डिंगें भी बन गए हैं, पेंटिंग का कार्य इसमें देखिए बिल्डिंग पे हो रहा है, बिल्डिंग पेंटिंग किया जा रहा है सराय चंदी रेलवे स्टेशन पे। हम आपको पूरा वीडियो फाफा माऊ तक दिखाने वाले हैं। एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आप लोग ने प्रतापगढ़ से जंघई तक दोहरीकरण का काम नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिए प्रतापगढ़ से दोहरीकरण का वर्क, फिर उसके बाद जंघई से प्रयागराज दोहरीकरण का काम हो रहा है। आप लोग एक बार कमेंट में बताइए हम प्रतापगढ़ से जौनपुर तक दोहरीकरण का वीडियो बनाएं कि ना बनाएं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मड़ियाहूँ रेलवे स्टेशन पे दोहरीकरण का काम हो रहा है। देखिए एक लाइन से गिट्टी डाला जा रहा है,
इस समय। इसके बाद थोड़ी रेलवे स्टेशन को हम लोग स्किप करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा पुल है, बनाया जा रहा है। ये नेशनल हाईवे कहाँ गया है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए पुल बन के तैयार हो चुका है और नेशनल हाईवे देखने में कितना अच्छा लग रहा है, जूम करके आपको दिखा रहे हैं। धूप काफ़ी अधिक है, कुछ लोग को लगता होगा भैया वीडियो बहुत अच्छे से बना लेते होंगे, बट धूप इतना तेज़ है वीडियो बनाने में बहुत कठिनाई होता है। हम आपको ये भी बता देते हैं वीडियो बनाने में बहुत कठिनाई होता है। देखिए अच्छी खासी स्पीड में दौड़ रही है ट्रेन और टर्न लेते हुए कितना अच्छा लगा आपको। दूसरी तरफ आप दिखाते हैं, देखिए आपको दूसरी तरफ कैमरे में दिखा रहे हैं। इस समय यहाँ पे भी कार्य हो रहा है। देखिए यहाँ से मिट्टी निकाला जा रहा है, यहाँ पे नीचे है लाइन इसीलिए यहाँ से मिट्टी निकाला जा रहा है। देखिए अच्छी खासी स्पीड में गाड़ी दौड़ रही है और मिट्टी डाला जा रहा है। देखिए इस समय मिट्टी डालने का कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। देखिए इसके बाद हम लोग फरवई रेलवे स्टेशन को स्किप करते हुए आपको दिखाते हैं फरवई रेलवे स्टेशन को। देखिए थरवई रेलवे स्टेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं अच्छी खासी स्पीड में। देखिए आपको दिखा रहे हैं धूल उड़ाते हुए अपनी गाड़ी से दौड़ रही है अच्छी खासी स्पीड में। बताइए डबल लाइन पे होने के बाद कितनी अच्छी गाड़ी चलेगी, बताइए अपनी गाड़ी बिल्कुल भी लेट नहीं है। देखिए थरवई रेलवे स्टेशन को हम लोग स्किप कर रहे हैं, अब आपको हम दूसरी तरफ कैमरे में दिखाने वाले हैं। देखिए आपको कैमरे में दूसरी तरफ दिखाते हैं। इस समय कार्य हो रहा है मिट्टी डालने का और गिट्टी भी डाला जा रहा है। देखिए सामने गिट्टी डाला जा रहा है इस समय दूसरी तरफ। देखिए गिट्टी डालने का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है दूसरी तरफ। देखिए वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए गिट्टी डाला जा रहा है, यहाँ पर एक ओवर ब्रिज है। देखिए ओवर ब्रिज के लिए कितने मकान तोड़े गए हैं, ये फाफम से ओवर ब्रिज निकला है और देखिए ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे फाटक पे काफ़ी हादसे होते रहते हैं, यहाँ पे ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है। देखिए ओवर ब्रिज का निर्माण का कार्य इस समय हो रहा है। हम आपको फाफम हाउस तक वीडियो दिखाने वाले हैं, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। देखिए हम लोग फाफम हाउस आउटर के पास पहुँच गए हैं। देखिए हम लोग फाफम हाउस आउटर के पास पहुँच गए, सामने मालगाड़ी खड़ी हुई दिख रही है। देखिए सामने मालगाड़ी खड़ी हुई दिख रही है आपको, इसको भी स्किप करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ लोग कहते हैं भैया आप वीडियो में कुछ अधिक ही बोलते हैं, नहीं बोलेंगे तो आप लोग कैसे समझेंगे। फाफम हाउस एक जंक्शन पॉइंट है क्योंकि कुंडा हरपाजगंज रेलवे स्टेशन की लाइन, प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन की लाइन, प्रयागराज रेलवे स्टेशन की लाइन अलग हो जाता है, इसीलिए फाफम हाउस एक जंक्शन पॉइंट है आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए जो सामने लाइन आप देख रहे हैं टर्न लेते हुए अपनी ट्रेन कितना अच्छा लग रहा है इस समय। देखिए अपनी ट्रेन इस समय टर्न लेते हुए। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। ये सामने लाइन जो आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ की तरफ चली जाती है और जो टर्न लेते हुए कुंडा हरपाजगंज की तरफ जाता है। हम आपको फाफा मऊ तक वीडियो दिखा रहे हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग जल्द से जल्द 5K ज़रूर करिए। देखिए जल्द से जल्द आप लोग 5K ज़रूर करिए।